हाजिर हूँ आपके साथ एक और नया ट्यूटोरियल लेके। पिछली वीडियो में पार्ट में आपको मैंने बताया था जी नोट से सरगम को प्ले करना, अब की वीडियो में बताऊँगा ए नोट से, क्योंकि मैं दोस्तों एक बार में ही कन्फ्यूज वीडियो को बना के ख़त्म करना चाहता हूँ। ये टॉपिक और भी टॉपिक आएंगे आपके लिए, तो आपने अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, बताएँ हमारी वीडियो कैसी पसंद आई। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, तो दोस्तों नंबर मैंने नीचे दे दिया, आप जैसे मर्जी कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत से कमेंट आएंगे दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आ रहा। दोस्तों हर किसी बात का कोई ना कोई हल होता है, आपको नहीं समझ आ रहा है आपको मैंने फिर से बताया, कॉल कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि वेस्टर्न में काफ़ी लोग जो इसको प्ले करते हैं काफ़ी सुनने में भी अच्छे लगते हैं, हमारे इंडियन क्लासिक में बहुत कम लोग हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे इंडियन भी काफ़ी ये इनका मतलब कि थोड़ा मतलब ज्ञान हो लोगों को, ठीक है, कल को, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में तो इसका टीचर भी ढूंढना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि बहुत सी कम टीचर हैं जो इसके बारे में नॉलेज देते हैं, ठीक है। मैंने भी सीखा दोस्तों, मैंने भी इंडियन कोई आदमी मुझे मिला नहीं जैसे कि टीचर नहीं, मैं तो मैंने ऑनलाइन सीखा है, इंग्लिश में सीखा है, वेस्टर्न में सीखा है, क्योंकि बाहर से ट्यूटोरियल बहुत से ट्यूटोरियल आ रहे हैं वैसे इंग्लिश में, तो मैंने उसको कन्वर्ट करके थोड़ा सा इंग्लिश से हिंदी में भी नॉलेज ली है, ठीक है। मैंने देखा दोस्तों ये हिंदी से सबसे आसान सीखने का है नॉलेज है इंग्लिश में सीखना, फिर उसको इंग्लिश में कोई ऐसा इंग्लिश में नोट होते हैं पर नोट को वो ऐसे प्ले नहीं करते हैं जैसे आप सी सी ए डी सी ए एफ सी, वहाँ पर कोई नोट, अब ये अगर म्यूजिक सीट आ गई आपके पास सामने तो वहाँ पर सिर्फ आपको आपने देखा होगा जैसे सॉन्ग का निशान होता है, आपको देखा होगा म्यूजिक सीट पे, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर ऐसी सीट आपने देखी होगी ऊपर। यहाँ पे दोस्तों सब सीट की जानकारी भी आपको दूंगा, इसको कैसे रीड करते हैं, कोई भी म्यूजिक सीट को कैसे रीड करते हैं ये भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे सीट का मेन मतलब है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ एफ शार्प है, यहाँ पे जी है, यहाँ एफ शार्प है, उसमें कोई नोट नहीं होता दोस्तों, ठीक है। सिर्फ लिखा था ये एफ शार्प है, ये जी है, ये ई है, यहाँ एफ है, हायर ई है, उसमें सब बताया होता। तो दोस्तों आपको इसका पता होगा कहाँ पे लोअर सी है कहाँ एफ है, मुझे नोट का नहीं पता, सिर्फ इतना पता है ये डी है, ये सी है, जी शार्प है, ये एफ शार्प है, सब सब का पता मुझे यहाँ पे, नोट का नहीं पता मुझे सारे गामा यहाँ से क्या कुछ नहीं पता, पता है एफ है, डी है, जी शार्प, तो आप एकदम से आपको पता होगा ये एफ शार्प, एफ से बाद दबाएंगे ए दबाएंगे, ए शार्प दबाएंगे, बी सी शार्प, मतलब कि सब कुछ लिखा है, यहाँ से स्पीड को कंट्रोल करना है, कितने स्पीड में आपने चमना, कितना टेम्पो है, सब मतलब कि नोट पे सीट पे लिखा को रीड करना है, सैक्सोफोन प्ले करना है, चाहे कोई भी सॉन्ग हो यार दोस्तों। अगर आप जैसे आपने बहुत से सॉन्ग वेस्टर्न वाले हमारे क्लासिकल वाले सॉन्ग प्ले करते हैं, बहुत सिर्फ एक सीट होती है उस म्यूज़िक की, उसको देख के हमारा सॉन्ग को प्ले कर लेते हैं, ठीक है, इतना बड़ी बात नहीं दोस्तों, ठीक है। फिर भी लोग चाहते हैं हम सरगम को प्ले करें, तो दोस्तों आपके फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, सरगम को। तो दोस्तों पिछली वीडियो में जी में सर, अब आएंगे जी ए पे, ठीक है, ये हमारा था जी, ये था ए, ए से सरगम को कैसे प्ले करेंगे आपको मैंने बताया, यहाँ तक कोई भी ओक्टी को सी तक को कोई नहीं ओक्टी को प्रेस नहीं करना, ये हमारे होते हैं मिडल नोट होते हैं, ठीक है। हायर नोट जब जाते हैं छोड़ देते हैं इसको पूरा को, फिर नीचे से ऊपर को होते हैं, फिर होते हैं हमारे लोअर नोट से हायर नोट, सॉरी लोअर से मीडियम, ठीक है, ये लोअर नोट हैं, जब इसको छोड़ देंगे फिर आएंगे मीडियम पे, ठीक है, फिर से हम ऊपर जाएंगे तो फिर आएंगे हाई नोट पे, ठीक है, ये हाई नोट होते हैं, ठीक है, बहुत से हाई नोट है, आप देखते रहें मीडियम, पहले ए नोट से सर को कर लेते हैं प्ले, वन टू, इसको बोलते हैं इसमें बी, इसको बोलते हैं दोनों को बनाएंगे ए, गानों को नोट भी दूंगा दोस्तों, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। ये हमारा ए, हम इसको ए को मानेंगे सा, बताया था आपको कन्फ्यूजन मत होने का, ठीक है, ए सा, सॉरी सा रे, ठीक है, सा, इसको एडजस्ट कर लो, यहाँ पे मैं ऑक्टिव को नहीं दबाया, अभी बता देता हूँ दोस्तों, ऑक्टिव सिर्फ टू फिंगर को मैंने यहाँ प्रेस किया, ठीक है, और दोस्तों मैं अगर आपको आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है ये मैं ऐसे सोच रहे डर के बजा रहा हूँ मुझे भी, दोस्तों मेरे आसपास काफ़ी ये जो घर हैं रात का टाइम है मैं शूट कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई किसी को डिस्टर्बेंस हो, ठीक है, इसलिए थोड़ा मैं इतना काम चला रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा पता लगे, ठीक है, सा अपना ये सा, सा
रे सा रे सा रे। सारे खा के लिए क्या करेंगे, शीशा, सभी नोट को छोड़ देंगे, प्लस ऑक्टी को दबाएंगे, शीशा बनेगा हमारा सारे का, सिर्फ ऑक्टी को दबाएंगे यहाँ पे। तो आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम बताया मैंने सैक्सोफोन पे, ये दोस्तों जो हायर नोट होते हैं उसमें थोड़ा सा मैं ब्लोइंग तेज करना पड़ता है जिससे वो आ जाएगी। अभी मैं दोस्तों इतनी जोर से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे आस पास थोड़ा घर है, तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं सारे का, ठीक है, ये बनता है हमारा शीशा, सभी को छोड़ देंगे, ये शीशा, ठीक है। इसको बोलते हैं मिडल शीशा, ठीक है। हायर शीशा कैसे बनेगा, सिर्फ डिफरेंट इसमें वैसे ही रहेगा, प्रेस करेंगे हायर शीशा, लो शीशा कहाँ था हमारा, ये लो शीशा होता है, ठीक है, ये लो शीशा, मिडल शीशा, हायर शीशा, आप मिडल मिडल में, ठीक है। फिर से देखते हैं सारे गां सारे गां, ठीक है। कोई भी फ्रीज को मैं सारे गा, ठीक है, मैंने कुछ भी प्रेस नहीं किया, गा तक कोई नहीं प्रेस किया, सारे गा। माँ के लिए क्या करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 प्लस ओक्टी, यहाँ पे आपने ओक्टी को प्रेस करना, ठीक है। फिर से आपको सारे गा समझ आ गए दोस्तों, आप देख सकते हैं ऊपर की तीन नीचे की तीन प्लस ओक्टी, सारे गा मा सारे गा मा। अब पा के लिए क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, सबसे देखते हैं। इसको छोड़ देंगे, ठीक है, धा, फिर इसको छोड़ें, नी, फिर से देखते हैं दोस्तों, सारे गा, फिर से आपको कंफ्यूज नहीं हूँ, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया दोस्तों। इसको नीचे की तीन ऊपर की तीन प्लस ओक्टी, मा सारे गा मा, ये बनता है मा पा था नी सारे गा मा पा धा, ठीक है। धा ये देख सकते हैं, धा धा नील धा, ये हमारा धा हुआ, देख लो धा आपको बताया, ठीक है। धा इसको छोड़ेंगे, इसको दबाएंगे, इसको छोड़ेंगे, नी 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 सा, इसको दोनों को देखते हैं सा, फिर से देखते हैं दोस्तों, दोनों मेरी फिंगरी को देखना, ठीक है। करें, मैंने भी दोस्तों रैंडम मतलब सारे गामा, फिर से
प्रैक्टिस की, मतलब कि सांस चढ़ गई, मेरा दोस्तों थोड़ा स्टेमिना अच्छा है, ठीक है अभी प्रैक्टिस करें, लंबे स्वर को प्ले करें, लॉन्ग नोट को प्ले करें, ठीक है, जैसे जैसे किसी भी नोट को ले लें, जैसे ए को ले लेते हैं सर, ऐसे करके आपका स्टैमिना भी बढ़ेगा दोस्तों। और जब आप सॉन्ग को प्ले करेंगे, कुछ सॉन्ग होते हैं लगातार बीच में रुकते नहीं है, वो आपको सांस लेने की मतलब कि टाइम नहीं लगेगा, इतने लंबे नोट वहाँ पे आपको दिक्कत होगी, ठीक है, वहाँ पे एक इस बार में एक लंबा सॉन्ग होगा आपको प्लेस करना पड़ेगा सांस लेने का टाइम, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प करेगा इस टाइम, ठीक है। ए नोट से सर को फिर से बता देता हूँ, ये था हमारा सा रे, सभी को छोड़ देंगे गा, क्यों नीचे के ऊपर तीन प्लस ऑक्टी मा, पा के लिए पा धा, अब देखना नी 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 सा, ये था हमारा आपका ए नोट, ठीक है। बी नोट सिखाऊंगा अगले पार्ट में, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है दोस्तों, ठीक है, चलो दोस्तों अगला पार्ट नहीं बनाऊंगा, इसी वीडियो में आपको समझा दूँगा, ठीक है, देखते हैं दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जी, ठीक है, मैं अगले पार्ट में